हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीयर पिंदर सिंह एंड वेलकम टू टीवी स्कूल। आपसे हमारी जो सब्जेक्ट की डिस्कशन हो रही है कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको समझाना है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आपसे हमारी होगी आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सक्लूडेड होती है। वो सभी फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं जिसका कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे टॉपिक नंबर टू की। टॉपिक नंबर टू हमारा इस चैप्टर का क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। मीनिंग एंड स्कोप, पहले तो मेरे को ये क्लियर होना चाहिए कि मीनिंग और स्कोप में क्या डिफरेंस है। मीनिंग का मतलब होता है कि उसकी एक जस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसका मतलब क्या है, दैट इज ए मीनिंग। स्कोप का मतलब क्या होता है, दायरा, कि कॉस्ट अकाउंटेंसी का दायरा कितना बड़ा होएगा। ठीक है, तो दिस वन इज द डिफरेंशिएट बिटवीन मीनिंग एंड स्कोप। ऐसे ही बेटे कई बार हम बोलते हैं वर्ड को ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि हमारा उसको अचीव करने का पर्पस क्या है। ठीक है, दैट आर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वो हमारा टॉपिक नंबर थर्ड में आपसे डिस्कशन होएगी। और कई बार एक वर्ड होता है फीचर्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मली बच्चे ये समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। बेटे इसमें भी डिफरेंस होता है कि जो हमारे फीचर्स होते हैं ना, फीचर्स, उसमें हमेरा हमेशा मेरिट्स की डिस्कशन होती है, अच्छी बातों की डिस्कशन होती है। आप कोई मोबाइल फोन परचेज करते हो, ठीक है, तो मोबाइल फोन को जब आप परचेज करते हो उसका जो बाहर जिस भी वो बॉक्स में पैक होता है, वो गत्ते के डब्बे में जो मोबाइल फोन आपका पैक होता है, तो उसके बाद उसके ना फीचर्स लिखे होते हैं, ठीक है ना, कि इस मोबाइल फोन 64 GB इसकी इंटरनल मेमोरी होएगी, ठीक है, इतनी बड़ी स्क्रीन होएगी, एक्सपेंडेबल मेमोरी है कि नहीं है, तो वो सभी उसके फीचर्स हैं। ठीक है, बट जब हम किसी के करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं उसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों बात होती है। ठीक है, तो मतलब ये स्लाइटली डिफरेंसेस होते हैं कि आपको जब थियरी लिखनी है और आपको एग्जामिनर ने फीचर्स बोला, तो फीचर्स का मतलब ये है कि आप सिर्फ मेरिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो यूसेज हैं, ठीक है, जो आप अच्छे यूज कर सकते हो उस चीज के, वो फीचर्स। ठीक है, जब करेक्टरिस्टिक्स की बात होती है फिर करेक्टर की बात हो रही है, इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों की बातें होंगी। हाँ जी बेटे, अब हम आपसे टॉपिक नंबर टू की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसमें टॉपिक नंबर टू मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, उसमें बेसिकली हमने कॉस्ट अकाउंटेंसी को समझने के लिए हमें पांच चीजों की डेफिनेशन या मीनिंग क्लियर होना चाहिए। वो पांच चीजें कौन कौन सी हैं, पहले तो हमें कॉस्टिंग के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट क्या होती है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर दी थी। ठीक है, कि कॉस्ट क्या होती है, मैं फिर एक बार बोल देता हूं कि कॉस्ट एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए यूज हो रही है, और विच हैव सम एक्सप्रेशन इन मॉनिटरी टर्म्स। हम उसको मेजरमेंट जो है, किसी भी चीज की हम मेजरमेंट मनी की मॉनिटरी टर्म्स में कर सकें, और वो हमारे रिसोर्सेज हो, और वो रिसोर्सेज हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो जितना भी पैसा हम खर्च रहे हैं अपनी गुड्स को मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करने के लिए, अपनी सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, वो सभी चीजें हमारी क्या होएगी, कॉस्ट। और कॉस्ट में भी एक्सपायर्ड कॉस्ट और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। अगर हमने उसका यूज कर लिया तो वो एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है, अगर हमने उसका भी यूज करना है, पैसे खर्च लिए, तो वो हमारी अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है। ठीक है ना, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट में हमारी एसेट्स की कवरेज भी हो जाती है, क्योंकि अभी हमने उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट का मीनिंग जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन आपको कर दिया, एक बार मैंने फिर दोबारा समझा दिए। अब हम समझते हैं कॉस्टिंग। पहले मेरे को कॉस्टिंग समझाना पड़ेगा, सेकेंड नंबर पर फिर मैं आपको समझाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर हम समझाएंगे आपको कॉस्ट कंट्रोल, फिर होएगा जी हमारा कॉस्ट रिडक्शन, फिर हमारा होएगा कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, जैसे आपको याद होएगा जब आप मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ते थे बिजनेस स्टडीज में, तो आप सबसे पहले प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग के बाद हमारा हो जाता था ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे होते थे ना वो सीक्वेंस में सारे फंक्शंस। वैसे ही हमें कॉस्ट अकाउंटेंसी को भी जब समझना है तो हमें सीक्वेंस में पहले ये समझना पड़ेगा कॉस्टिंग क्या है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है,
तो यहां से आपको यह भी डिफरेंस क्लियर होएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होने वाला है। अकाउंटेंसी हैव ए वाइडर स्कोप, अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग होती है, ठीक है ना। जब कोई वर्ड जैसे आप 11th और 12th स्टैंडर्ड के अगर आप सीबीएसई के सब्जेक्ट्स को देखो तो वहां पे सब्जेक्ट का नाम 12th अकाउंटिंग थोड़ी है, 12th अकाउंटेंसी, क्योंकि जब अकाउंटेंसी बोल दिया तो इसमें बहुत वाइडर स्कोप हो जाएगा। इसमें कंपनी अकाउंट्स भी आ गए थे, पार्टनरशिप अकाउंट्स भी आ गए थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी आ गई थी, रेशियो एनालिसिस भी आ गई थी, क्योंकि वर्ड क्या यूज कर दिया गया, अकाउंटेंसी। जैसे अगर हम बोल दें कि वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब सभी कंट्रीज की बात हो गई। अगर हम बोले इंडिया तो सभी स्टेट्स की बात हो रही है, बीच में सभी सिटीज की बात भी हो रही है जो इंडिया में है, ठीक है ना। वैसे ही अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग भी होएगी, ठीक है, कॉस्टिंग भी होएगी, कॉस्ट कंट्रोल भी होएगा, कॉस्ट रिडक्शन भी होएगी और कॉस्ट ऑडिट भी होएगा, ठीक है। यहां से हमारी प्रोनंसिएशन स्ट्रांग होती है कि कहां पे मेरे को कॉस्ट अकाउंटेंसी वर्ड यूज करना है और कहां पे मेरे को अकाउंटिंग वर्ड यूज करना है। अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। कॉस्टिंग का मतलब वो सभी टेक्निक्स और प्रोसेसेस हैं, वो सभी टेक्निक्स और प्रोसेसेस जिससे हम अपनी कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो सभी टेक्निक्स और प्रोसेस जिससे हमें अपनी कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो दैट इज ए कॉस्टिंग, मतलब कॉस्टिंग बेसिकली एक मेथड है जिससे हमें कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन होगी कि हाँ भी कि ये मेरी कॉस्ट का पार्ट है कि ये मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी परचेज की, ठीक है, आपने कोई मशीनरी परचेज की। अब मशीनरी हमारी क्या होती है, एसेट, ठीक है ना। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट्स आर रिसोर्सेस। तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तब किसी चीज को हम एसेट बोलते हैं। सबसे पहले एसेट्स आर रिसोर्सेस, दूसरी कंडीशन विच प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और तीसरी कंडीशन मस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। तो रिसोर्सेस होने चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए, तो कंट्रोल होना चाहिए। तो मैं आपको यह समझा रहा था कि अगर आपने मशीनरी परचेज की 10 लाख रुपीज की और मशीनरी को भी आपने 5 साल या 6 साल यूज करने, ठीक है, क्या मशीनरी कॉस्ट बन जाएगी? आंसर है नो। उस मशीनरी की जितनी डेप्रिसिएशन होगी, जितना हमने अपनी गुड्स को बनाने के लिए यूज किया, वो बेटे कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी मेरी कॉस्ट होएगी, पूरी मशीनरी मेरी कॉस्ट नहीं होएगी, क्योंकि मशीनरी से तो मैंने कई प्रोडक्ट्स बनाने, ठीक है। मैं जितने प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं, अगर मेरे को उसकी कॉस्ट निकालनी है तो मेरे को मशीनरी की भी सिर्फ डेप्रिसिएशन कंसिडर करनी है इंस्टेड ऑफ होल कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। मेरे को पूरी कैपिटल कॉस्ट कंसीडर नहीं करनी 10 लाख, अगर मेरे अभी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, मान लो उस मशीनरी ने अगर 1000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो मैंने अगर उसमें से अभी 200 प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो फिर अभी मेरी कॉस्टिंग का पार्ट 10 लाख में से 2 लाख होएगा, क्योंकि अभी मैंने 200 प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है। तो दिस वन इज द टेक्निक कि जिससे मेरे को यह पता लगा कि कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है ना। कई बार इकट्ठे खर्चे में से कुछ पार्ट कॉस्ट होती है, सारा नहीं कॉस्ट होती, तो वो कुछ पार्ट हमें कैसे सेपरेट करना है, दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। तो मतलब जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल ली, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी जी, असेटलमेंट ऑफ कॉस्ट, जो हमें कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ने सिखाया, ये हमें कॉस्टिंग ने समझाया कि आपने सिर्फ वो चीज को कंसिडर करना है जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज हुआ है। अब सेकंड नंबर पे आए कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैंने कॉस्ट को निकाला, ये मेरे को कॉस्टिंग ने सिखाया। अब कॉस्ट को निकालने के बाद मेरे को अब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करना है। अब तो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस शुरू हो गया ना, जैसे हम 11th स्टैंडर्ड में अपनी रिकॉर्डिंग करते थे जर्नल बुक में, वैसे ही अब कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें ये जो कॉस्ट स्टेप नंबर वन आपने जो कंप्लीट किया उससे जो रिजल्ट निकलेंगे स्टेप नंबर टू में, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में उसकी रिकॉर्डिंग होगी। कॉस्ट को खर्चने तक से शुरू लेके कॉस्ट के कंट्रोल होने तक जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारा डाटा रिकॉर्ड करने वाले हो, दैट इज ए कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर विच कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट, ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट जो हमें ये कॉस्टिंग ने बताई, ठीक है, कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, बुक्स में आपने उसको रिकॉर्डिंग करनी है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, विच बिगिंस
विद द इंक्रेंस ऑफ कॉस्ट, जब से आपने कॉस्ट को खर्चना शुरू किया, इंक्रेंस का मतलब होता है जब से आपने इसको खर्चना शुरू किया, ठीक है, वहां से लेके एंड्स विद द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, कि जब तक आप उस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कंट्रोल इन द सेंस, देखो कोई भी चीज है, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अपनी स्टडी कर रहे हो, तो अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करने का आपका एक लास्ट जो आपका सारी चीज टिकी हुई है इसके में, वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में इस स्टडी का कितना बेनिफिट लेना है। मैं ये नहीं मानता कि आपका रिजल्ट क्या आया, ठीक है ना, रिजल्ट तो चलो कई बार बच्चों के 90-95% मार्क्स भी होते हैं, पर उनको अपनी जिंदगी के आगे टारगेट्स नहीं पता होते। बट जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है, या ऐसे ही अगर हम अपने पर्सनल लाइफ की बात करें, स्टडी करने से लेके मेरे को कहाँ पे अचीव करना है, ठीक है, क्या मैं उस चीज को अचीव कर पाया कि नहीं अचीव कर पाया, यहां तक का सारा जो होएगा ना, ये सारी रिकॉर्डिंग जो है दैट इज ए अकाउंटिंग। मतलब ये हो गया कि अगर मैं जो आपसे अभी एग्जांपल ले रहा था कि आपने स्टडी करनी स्टार्ट की, शुरू हो गया, ठीक है ना, बच्चा प्लेवे में गया, नर्सरी में गया, तो ये शुरू हो गया, इनकरेंस ऑफ कॉस्ट हो गई। बच्चे ने लाइफ में क्या अचीव किया, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, हमारा बच्चा आईएएस ऑफिसर बने, ठीक है ना, तो क्या वो बन पाया कि नहीं बन पाया, दैट इज ए कंट्रोल। अगर वो बन पाया तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो जिस पर्पस के लिए ये सारा कॉस्ट इनकर्ड की है वो उनका फुलफिल हो गया। अगर वो नहीं बन पाया तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो सारी कॉस्ट है वो सारी अनफेवरेबल हो गई। वैसे ही बिजनेस में कॉस्ट को खर्चने से लेके इंक्रेंस ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, नैनो कार, टाटा वालों ने नैनो कार बनाई, नैनो कार बनाने से लेके, ठीक है, नैनो कार के बिकने तक क्या उसको उतनी सेल हो पाई जितनी टाटा वालों ने एक्सपेक्टेशन की थी, ठीक है ना, वैसे तो उतनी सेल नहीं हो पाई, ठीक है ना, तो ये सारी अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होएगा ये कॉस्ट अकाउंटिंग करेगी, कि मतलब आपके रिजल्ट्स फेवरेबल आए हैं कि अनफेवरेबल आए हैं। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की होगी तब आपको पता लगेगा कि आपके रिजल्ट्स फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने डाटा ही नहीं बनाया, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट दी फेवरेबल और अनफेवरेबल रिजल्ट्स। तो दिस वन इज द कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमें सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट को क्या करना है, कॉस्ट को इंक्रेंस से लेके कॉस्ट के कंट्रोल होने तक हमें सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, और फाइनली रिजल्ट्स निकालने के बाद हमें रिजल्ट्स को कंपेयर भी करना है, क्या वो रिजल्ट्स हमें फेवरेबल हमारे लिए हैं कि नहीं है, ठीक है, उसके बाद हम बेटे आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें इसको हम क्या कैसे करेंगे ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी। जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है, आपसे मेरी चैप्टर की डिस्कशन होगी जो हमारा चैप्टर नंबर 2 ही होगा, बेसिकली कॉस्ट शीट बनानी है हमें, तो कॉस्ट शीट से ही हमें कॉस्टिंग प्रॉफिट के बारे में नॉलेज हो जाती है, ठीक है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। ऐसे ही अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहां पे फिर हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ जाती है, ठीक है, जिसमें हमें फिर दोबारा कॉस्टिंग जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे फाइंड आउट हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, सारे नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं ये बेसिकली हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के ही एक पार्ट है। और कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग अलग वे से, अगर कोई प्रोसेसेस में बिजनेस कर रहा है तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग अडॉप्ट करेगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करेगा, कॉस्ट शीट बनेगी, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते थे, फाइनल अकाउंट्स बनते थे, ऐसे ही हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या बनती है, कॉस्ट शीट, जहां से हमारे को कॉस्टिंग प्रॉफिट और कॉस्टिंग लॉस की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, ये हम करेंगे, डिस्कशन करेंगे पूरे कोर्स में। देन उसके बाद बेटे आपने जब कॉस्ट अकाउंटिंग कर ली, अब बात आ गई ना फिर दोबारा कंट्रोल की, ठीक है, कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपने ये सोचा था, मैंने आपको समझाया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये हैपनिंग होने से पहले प्री डिटरमाइंड अकाउंटिंग भी है और हैपनिंग होने के बाद की अकाउंटिंग भी है। बट जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हैपनिंग होने के बाद की अकाउंटिंग है, वो तो सिर्फ रिजल्ट्स निकाल के देती है, पर हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग पहले ये भी सोचती है, प्री डिटरमाइंड अकाउंटिंग है कि मेरे को कितनी कॉस्ट खर्चनी चाहिए। अगर हमने फॉर एग्जांपल ये सोचा कि यार मेरे को तो 10,000 रुपए की कॉस्ट खर्चनी चाहिए, इसको बोले क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। वैसे तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत वाइडर है, ठीक है, पर अभी हम बिगनिंग स्टेज पे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं।
जैसे मैंने सोचा कि मेरे को अगर पांच प्रोडक्ट्स बनाने हैं और पांच प्रोडक्ट्स में मैंने सोचा कि 10,000 रुपये का खर्चा आएगा, ये मेरा ना टारगेट है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। कोई भी बंदा स्टैंडर्ड बनाता है, आप भी तो स्टैंडर्ड बनाओगे ना कि मेरे को यार 95% मार्क्स लेने हैं, मेरे को 90% मार्क्स लेने हैं, मेरे को लाइफ में IAS ऑफिसर बनना है, ये आपका स्टैंडर्ड ही है ना, ठीक है ना। जब आपका रिजल्ट आएगा फिर आप कंपेयर करोगे कि यार मेरे 90% मार्क्स आए हैं, 95% मार्क्स आए हैं कि नहीं आए, फिर आप कंपेयर करोगे अपने एक्चुअल रिजल्ट को स्टैंडर्ड के साथ। वैसे हमने ये सोचा कि हम पांच प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो 10,000 की हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, और एक्चुअल में अब देखो ये प्री डिटरमाइंड अकाउंटिंग होगी ना, ये कौन सी अकाउंटिंग होगी, प्री डिटरमाइंड। और प्री डिटरमाइंड हमारी कौन सी अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हमने प्री डिटरमाइंड की कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और हमने जब एक्चुअल में जब कॉस्ट खर्चने की बात आई तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, मान लो इन्फ्लेशन होगी इकॉनमी में, ठीक है ना, और आपका जो एक्सपेंस आया जी वो 13,000 आ गया, दिस वन इज योर एक्चुअल कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ था 10,000 का, बट एक्चुअल में 13,000 की कॉस्ट हुई, तो इसका मतलब ये हो गया 3,000 की कॉस्ट एक्स्ट्रा खर्चनी पड़ गई और वो 3,000 की कॉस्ट हमारी अनफेवरेबल आ गई। तो वो तभी पता लगेगा अगर हमने ये 10,000 का स्टैंडर्ड फिक्स किया होगा और एक्चुअल हमने 13,000 की रिकॉर्डिंग की होगी। जब हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया होगा तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको 10,000 का स्टैंडर्ड बनाया होगा, जब एक्चुअल रिजल्ट आए, एक्चुअल हैपनिंग हुई, तो वो 13,000 की कॉस्ट हो गई। तो 3,000 हमारा कॉस्ट कंट्रोल के फीचर ने या कॉस्ट कंट्रोल ने हमें यह सिखाया कि 3,000 आपके लिए अनफेवरेबल है। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल कि ये कॉस्ट अगर एक्चुअल में 8,000 रह जाती, ठीक है, हमने सोचा कितना था 10,000 की कॉस्ट, कितनी रह गई 8,000, तो इसका मतलब मैंने सोचा था 10,000 खर्चा होगा, हुआ 8,000, तो 2,000 अनफेवरेबल हो गया। यहां हमने सोचा 10,000 था कि पांच प्रोडक्ट्स मेरे 10,000 में बनेंगे, पर हमारे पांच प्रोडक्ट्स तो 8,000 में ही बनकर रेडी हो गए, तो इसका मतलब 2,000 पैसा कम खर्चना पड़ा, और जो पैसा कम खर्चना पड़ा ये हमारे लिए फेवरेबल हो गया। ये तभी पॉसिबल है कि आप फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइंड आउट कर सको अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना सीखोगे। और बेटे कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर हमारे प्रॉपर पूरे चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर होएगा हमारा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर होएगा, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। पता नहीं बच्चे इसको बोलते हैं कि सर ये तो बहुत टफ चैप्टर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर होएगा, एज वेल एज मेरा एक आपसे और चैप्टर की डिस्कशन होगी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको हम CVP एनालिसिस भी बोलते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये जो चैप्टर्स हैं ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में कॉस्ट की कंट्रोल करने के पर्पज से बनाए गए हैं, कि सिर्फ अकाउंटिंग करके नहीं छोड़ना, आपने ये भी बाद में बता के आना है, आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कॉस्ट अकाउंटेंट की कि एक्चुअल में कॉस्ट आपकी कंट्रोलेबल है कि नहीं, ठीक है। अब आपका थोड़ा सा ना दायरा खुल रहा है कि हमें सिर्फ हमारे को सिर्फ अकाउंटिंग करने में ही सीमित नहीं रह जाना, सिर्फ मुनीमगिरी में सीमित नहीं रह जाना, आपको एनालिसिस भी आना चाहिए, क्लियर हो रही चीज। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ भी कि इसके रिजल्ट्स हमारे टारगेट रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली हैं कि नहीं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है जी, मेजरिंग और कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद टारगेट और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे, अपनी टारगेट और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। दिस वन इज द कॉस्ट कंट्रोल। अच्छा एक होता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। अब कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये होता है जी कि आपने कॉस्ट को रिड्यूस किया, रिडक्शन वैसे मतलब ही साफ नजर आ रहा है कि रिडक्शन रिड्यूसेस, कि आपने कॉस्ट को रिड्यूस किया बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। कि कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप ये लगाओ कि एक मोबाइल फोन है, ठीक है, 64 GB उसकी इंटरनल मेमोरी है। चलो मेरे को तो वैसे इतनी नॉलेज नहीं है मोबाइल फोन्स की, पर मैं चलो एक दो फीचर्स को बोल देता हूँ कि 64 GB इंटरनल मेमोरी है, एक दो फीचर्स उसमें और अच्छे अच्छे हैं। तो वो मोबाइल फोन मान लो जी सैमसंग ने निकाला 20,000 रुपीज का, ठीक है, बट यही मोबाइल फोन मान लो कि वीवो वालों ने निकाल दिया 15,000 रुपीज का, बिल्कुल सेम फीचर्स। तो इसका मतलब पता है क्या है कि वीवो वालों ने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया,
उनकी स्क्रीन भी वही है जो सैमसंग के मोबाइल की स्क्रीन है, उसमें भी वही फीचर्स हैं जो सैमसंग में फीचर्स हैं, बट वीवो ने कॉस्ट की रिडक्शन की है, क्वालिटी को रिड्यूस नहीं किया, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। लरोरी जी ठीक है, तो कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है कि आप अपने अननेसेसरी जो आपके ऊपर कॉस्ट का बर्डन बढ़ रहा है उसको आप हटा दो। वो कैसे हटाओगे आप, जैसे लालू प्रसाद यादव जब हमारे रेलवे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था कि जो रेलवे थी हमारी, इंडियन रेलवे थी, ये हमारी लॉसेस में चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया था कि एक बिल्कुल देखो इलिटरेट पर्सन, ठीक है ना, लालू प्रसाद यादव इज नॉट एन इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट पर्सन ने हमारी रेलवे को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया था विदाउट इंक्रीजिंग फ्रेट। उसने फ्रेट नहीं इंक्रीज किया, उसने बट रेलवे को प्रॉफिटेबल बना दिया। अब कैसे कैसे बनाया होगा, ये IIM में उसको पूछा गया था, उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बुलाया गया था कि आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताओ कि आपने ये कैसे किया। उसने क्या किया, जो रेलवे में जितनी भी स्क्रैप पड़ी हुई थी ना, ठीक है ना, जो वो डिब्बे हैं, वो कोचिस हैं, वो इंजन्स हैं, जो स्क्रैप पड़े हुए थे वो सारे ऑक्शन कर दिए, सेल कर दिए, ठीक है, क्योंकि वो सारा इररेलीवेंट मटीरियल था, उसको सारा सेल किया जिससे हमारे रेलवे प्रॉफिटेबल में आ गई और फ्रेट एक रुपया भी नहीं इंक्रीज हुआ। तो ये सभी चीजें जो होती हैं, इट इज अ कॉस्ट रिडक्शन, कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, आप अपनी वेस्ट को सही यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना, आप अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जहां पे लेबर की अवेलेबिलिटी है, जहां पे रिसोर्सिस अच्छे हैं, ठीक है ना, जिस सिटी में या जिस स्टेट में, आप वहां पे जाके अपनी फैक्ट्री लगा लो तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप किसी पॉश एरिया में अपनी फैक्ट्री लगा रहे हो या कहीं पे किसी ऐसी सिटी पे फैक्ट्री लगा रहे हो, वहां पे हो सकता है आपका लेबर रेट जो आपको फॉर एग्जांपल कि 10,000 आपको वर्कर को देना पड़े, पर कई जगह ऐसी होती हैं कि वर्कर 6,000 में भी काम करने के लिए रेडी है, ठीक है ना, रिसोर्सेज भी अच्छे अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी हैं, तो उससे आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस, ठीक है ना। परमानेंट रिडक्शन ऑफ कॉस्ट विदाउट डिमिनिशन इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये नहीं है कि घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट लगा दो आप, वो नहीं, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने कॉस्ट को रिड्यूस किया, आपने चाहे स्क्रैप सेल करके किया या जैसे भी किया, बट आपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्वालिटी आपकी पहले भी वही थी, आज भी वही है, बट आप कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस करने में सक्सेस हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए कि वो कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर रहे। वैसे भी आप हम अपनी लाइफ में भी कॉस्ट की रिडक्शन अगर कर लें, ठीक है ना, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, तो वो भी एक अचीवेबल पॉइंट है। लेनोरी जी ठीक है, कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है कि आपने ये जो सारी कॉस्टिंग की, ठीक है ना, ये कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग आपने की, कंट्रोल की कॉस्ट को, कॉस्ट की रिडक्शन की, फाइनली आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंट्स, उसको वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास एक ऊपर एक अथॉरिटी बनाई गई, जो बेसिकली हमारे इंडिया में मैंने आपको बोला था कि डेजिग्नेटेड डिग्री कौन सी है, CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। वो क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं रिकॉर्ड्स को, क्या ये सारा सिस्टम कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, क्या इसको ट्रू एंड फेयर व्यू सही तरीके से बिजनेस के प्रिंसिपल्स, प्लान्स, प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली किया गया है कि नहीं किया गया। इट इज अ वेरिफिकेशन प्रोसेस। क्लियर हो रही जी, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, वो प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है CMA, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको पहले जमाने में CWA भी बोला जाता था, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, ठीक है, एंड एग्जामिनिंग एज पर द पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोसीजर्स। इवन की कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने स्टैंडर्ड्स भी हैं, जिसको हम कैश बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपने ये सारी कॉस्टिंग वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली की है कि नहीं की, ये कॉस्ट ऑडिट में पता लगेगा। ये था बेटे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है, थैंक यू।